हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पिका चार्जिंग सो एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं और उस समय जो थीम हमको शो करता है उसी थीम को कस्टमाइज़ करने वाला ये एप्लीकेशन है। अभी तक इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। जब आप इस थीम का यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आप अपनी चार्जिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, चार्जिंग थीम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी प्रोसेसिंग हो रहा है। और प्रोसेसिंग होने के बाद हम इस ऐप के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अगर आप इस ऐप का प्रीमियम प्लान लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं तो आप कट के निशान पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर यह ऐड आ चुका है, ऐड को हम लोग देख कर कट कर देंगे। कट करने के बाद हम आ जाएंगे इस ऐप के होम पेज पे। यहाँ पर ऐड है, ऐड को भी कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है, जो आपकी चार्जिंग नाउ यानी इस समय जितनी चार्जिंग है फ़ोन की वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से आप वॉलपेपर लगाना चाहे लगा सकते हैं। जो मेन चीज़ है इस एप्लीकेशन का, जिसके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड किए हैं, वो मिलता है आपका चार्जिंग वॉलपेपर। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कमाल के चार्जिंग वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। आपको जिस भी जो भी वॉलपेपर पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं एक वॉलपेपर ले लेता हूँ, कोई सा भी जो थोड़ा सा अच्छा रहे और थोड़ा सा सही रहे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर आपको दिख रहा हो किसी में 2 दिख रहा है तो किसी में 1 दिख रहा है। ये एक तरह का पॉइंट है जो इस एप्लीकेशन में यूज होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके पास केवल 1 पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट वाला ही आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारे चीज़ें, तो आपको जो एक पॉइंट वाला है उसको यूज़ करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप फ्री में है, यहाँ पर ये सब फ्री है, आप इसको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। पेड वाला यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, चलिए ये फ्री नहीं है, ये पेड है, तो लेकिन 1 कॉइंट से हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अनलॉक अनकॉइन 1 कॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये आ चुका है, बस आपको सही वाले निशान पर क्लिक करना है, सेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी परमिशन है ये यहाँ पर रेड इसको हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, ये लास्ट है, हम इसको अलाउ किए और यहाँ से बैक हो गए। उसके बाद हमारा ये वॉलपेपर ऐसा कुछ शो करेगा, बस हमको यहाँ पर सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर यह कह रहा है कि प्ले टाइमिंग कितना रहना चाहिए, आप इसका जो टाइमिंग है और बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट 3 मिनट भी कर सकते हैं। यानी जब चार्जिंग लगाएंगे तो जब हमको जो थीम दिखाता है कि हाँ चार्जिंग हो रहा है, कुछ ऐसे मैं दिखा दूँ आपको, सामने ही दिखा के चलता रहूँ। यहाँ पर देखेंगे अगर जब हम चार्जिंग लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा शो करता है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद बैक होता है, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए बैक होते हैं और अभी मैं कट करता हूँ। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पर जो टाइमिंग था ना कितने देर ये शो करेगा आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी 30 सेकेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लोजिंग मेथड क्या है, डबल क्लिक करेंगे तुरंत क्लोज हो जाएगा। सेट नाउ पे क्लिक करना है, अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है, आप इसको किस पे सेट करना चाहते हैं, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन। मैं लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों पे किया, अब ये सेट हो चुका। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं, अब ये सेट हो चुका है। अब हम चलिए ट्राई करते हैं, अभी हमारे होम पेज पे ही है लेकिन अब फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये वॉलपेपर भी बना दिए इस एप्लीकेशन को, इस वाले को, अब हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है, कुछ इस तरह से आपका चार्जिंग होगा तो इस तरह से शो करेगा। और कितना कूल सा है ये, 30 सेकेंड का मैंने सेट किया तो 30 सेकेंड तक यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो बस 2 बार क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने चार्जिंग थीम को थोड़ा कस्टमाइज करके कूल सा लुक दे सकते हैं।